नमस्कार मित्रों, आपके जीवन में शुभ लाभ रहे। हमारे जीवन में अंक ज्योतिष का, अंकों का कितना महत्व है, इसे हम सहज रूप में उस समय तक नहीं जान पाते जब तक कि उसके ज्ञान से हम अवगत नहीं हो पाते। इस दिशा में सामान्य रूप से कोई सोचता भी नहीं है। थोड़ा ध्यान देकर देखा जाए तो हम पाएंगे कि हर अंक अपनी जगह, अपना क्षेत्र, हर कदम पर हमारा पीछा करता है। हम अपने जन्म की तारीख पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता उस तारीख को खुशियां मनाते थे, दावतें देते थे, उपहार दिया जाता था, शिक्षा आरंभ होने पर स्कूल जाते ही जन्मदिन की तारीख पूछी गई, उच्च शिक्षा की डिग्री मिलने पर सर्टिफिकेट में जन्मतिथि अंकित की गई, नौकरी मिलने के लिए वही जन्मतिथि काम आई और वही जन्मतिथि नौकरी के पूरे काल और रिटायरमेंट तक काम करती रही। विवाह के समय भी जन्मतिथि सामने आई। उसके बाद विवाह की तारीख, बच्चों के जन्म की तारीखों को याद रखने का सिलसिला शुरू हुआ। जहाँ इतनी सारी प्रमुख तारीखों को आप याद रखते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस बात को नोट करके चलते हैं कि कौन सा महीना अथवा तारीख उनके लिए शुभ होती है और कौन सी अशुभ। इस शुभ अशुभ को वे बगैर किसी को बताए या मुहूर्त निकलवाए खुद जान लेते हैं और उसी के अनुरूप काम करते हैं। मान लीजिए फरवरी का महीना या दूसरा महीना आपके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुआ हो तो आप फरवरी महीने को अपने लिए फलदायक मान लेते हैं। इस हिसाब से अंक दो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। आज हम बात करेंगे कि एक तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनकी क्या खासियत है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उन्हें क्या रोज़गार करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, उनके प्यार की कंडीशन कैसी रहेगी, उनका कैरियर कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा। जिन व्यक्तियों का जन्म एक तारीख को हुआ है उनका मूलांक एक होता है। अंक एक अद्वैत का प्रतीक है, इसलिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और प्रमुख अंक है। इसका स्वामी ग्रह सूर्य है। यह रचनात्मक प्रवृत्ति का द्योतक है। इस अंक वाले व्यक्ति की प्रवृत्तियां रचनात्मक होती हैं। वह सदा स्वतंत्र रहना चाहता है। उसका अपना व्यक्तित्व होता है। उसे नई बातों की खोज का शौक होता है तथा उसके विचार दृढ़ होते हैं। अनेक बार तो उसके विचारों में इतनी दृढ़ता होती है कि उसे हठी भी कह दिया जाता है। अंक एक के व्यक्तियों को अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यों एवं विचारों को इन्हीं महीनों में कार्यान्वित करना चाहिए, जिन दिनों के अंक उनके जन्मदिन के अंक से मेल खाते हों। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को तथा 21 मार्च से 28 अप्रैल तक तथा 21 जुलाई से 28 अगस्त के बीच कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। अपने इन अंकों के अतिरिक्त अंक एक के अंतर्गत जन्मे लोगों के संबंध 2, 4, 7 के अंक के व्यक्तियों में जन्मे या इन अंकों के प्रभावशाली समय के अंतर्गत जन्मे लोगों से बहुत मधुर होते हैं। अंक एक के लिए भाग्यशाली दिन रविवार और सोमवार हैं। और भी अच्छा हो यदि उनका अपना अंक उन दिनों के अंक से मेल खाता हो। अंक एक के अंतर्गत जन्मे व्यक्तियों के लिए अधिक भाग्यशाली रंग सुनहरा, पीला, तांबई, इनके लिए श्रेष्ठ रत्न हैं पुखराज, पीतरत्न, पीला हीरा और इनके रंगों के अन्य रत्न। यदि संभव हो तो इन व्यक्तियों को पीला रंग इस प्रकार धारण करना चाहिए कि वह इनकी त्वचा को स्पर्श करता रहे। इस तारीख को जन्मे व्यक्ति के लिए 19वां वर्ष, 28वां वर्ष, 37वां वर्ष, 46वां, 55वां, 64वां, 73वां, 82वां और 91वां वर्ष विशेष महत्व रखते हैं। यानी कि इन सभी वर्षों का यदि हम योग करके देखेंगे तो एक आएगा। 28 को जोड़ लीजिए, एक आएगा। 37 को जोड़ेंगे तो भी एक आएगा।
इन वर्षों में वे या तो पूर्णतः स्वस्थ होंगे या इनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोग हृदय विकार, हृदय की धड़कन, अनियमित रक्त परिसंचरण तथा प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में उच्च रक्तचाप व नेत्र रोगों के शिकार हो सकते हैं। इन्हें समय समय पर नेत्रों की परीक्षा कराते रहनी चाहिए। इन व्यक्तियों के लौंग, केसर, किशमिश, नींबू, संतरा, छुहारा, अदरक, जौ आदि लाभदायक हैं। शहद का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इन व्यक्तियों को अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में नहीं बाहर जाना चाहिए। बाहर जाएंगे तो बीमारियां आ सकती हैं। इनका स्वभाव जो है साहसी और सहनशील होता है। निरंतर अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करने की ताकत इनमें पाई जाती है। ये गुण जन्मजात होते हैं इनमें और बचपन में अपने साथियों तथा बड़े होने पर समाज एवं गृहस्थ जीवन का ये लोग नेतृत्व करते हैं। ये गुण अन्य अंकों में इतना अधिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह सूर्य जो है इस अंक का स्वामी होता है। समाज की दृष्टि में ये विश्वस्त व्यक्ति माने जाते हैं क्योंकि ये अपने निश्चय पर अटल रहते हैं। जो इन्होंने निश्चय कर लिया उससे इनको कोई हिला नहीं सकता। यदि नौकरी करते हों या व्यापार करते हों लेकिन ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचकर ही रहेंगे क्योंकि नेतृत्व का गुण इनमें जन्मजात होता है। सुंदर और सुरुचिपूर्ण जीवन इन्हें पसंद होता है। अस्त और व्यस्त जीवन इन्हें पसंद नहीं होता। ये सौंदर्य प्रेमी और कला के पुजारी होते हैं। इनका व्यक्तित्व और जीवन सदा स्वतंत्र रहता है। किसी की धौंस ये स्वीकार नहीं करते हैं। धन कमाने में ये जितना परिश्रम करते हैं उसके व्यय करने में भी उतना ही खुला हाथ इनका पाया जाता है। इसलिए प्रायः धन इनके पास रुक नहीं पाता है। ये अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग होते हैं, सचेष्ट होते हैं क्योंकि इनका लक्ष्य निश्चित होता है। चाटुकारिता और खुशी खुशामत इन्हें पसंद नहीं होती है। दो टूक बात कहना इनका स्वभाव बना होता है। इनके स्वभाव में होता है कि जो बात है वो सामने बोलेंगे, पीछे से बोलने की आदत इनमें नहीं पाई जाती है। एक इनका अन्य गुण है कि इनमें मित्र बनाने की कला होती है। अपरिचित व्यक्ति को भी मित्र बना लेते हैं ऐसे लोग। इनकी ऐसी विशेषता है जिसके कारण समाज में इन्हें प्रशंसा प्राप्त होती है। एक और विशेषता एक तारीख के जन्मे लोगों में पाई जाती है कि ये अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है। जो भी काम ये करते हैं उसमें सफल होते हैं। निश्चय लेने में बहुत दक्ष होते हैं। किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय लेना इनका स्वभाव होता है। ये अपने किसी कार्य में किसी अन्य का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर समय